वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी के सब मंत्र सबका साथ सबका विकास और विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित ये बजट संतुलित मावेशी और सभी वर्ग तक पहुंचने वाला बजट है। ये बजट हमारे सशक्त उत्तराखंड 2025 के संकल्प के उनको पूरा करने वाला बजट है। नए उत्तराखंड का संकल्प का बजट, इसमें जहां इंस्ट्रक्टर स्तर पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी महत्व दिया गया है। इस बजट में युवाओं की विशेष चिंता की गई है। रोजगार स्वरोजगार पर का परिवेश बनाने पर बल दिया गया है। 50,000 पॉली हाउस के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एप्पल मिशन, कीवी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बजट का केंद्रीय बिंदु है उत्तराखंड का विकास। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के को ध्यान दे में रखते हुए बजट का निर्माण किया गया है। केंद्र बजट के से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न आयामों को इस बजट में समेटने का प्रयास किया गया है। विकास, सस्टेनेबल विकास और समावेशी विकास, इन शब्दों के इर्द गिर्द विकास की यात्रा बताई गई है। विकास कैसे किया जाना है, विकास की दिशा क्या होगी, इस पर भी यह बजट स्पष्ट है। एक स्पष्ट सोच और गंभीर चिंतन बजट में मिलती है। हमारे छात्र, हमारी खिलाड़ी, हमारे युवा, हमारे किसान, हमारे काश्तकार, असंगठित संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति, स्टार्टअप, उद्योग, कारोबारी और अब हम सबका मिलकर उत्तराखंड का विकास करेंगे। उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। 77,000 करोड़ से अधिक बजट का बजट है। साथ ही 43,009 करोड़ का सरप्लस बजट वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को बताता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जोशीमठ को नए स्वरूप में उत्तराखंड करना हमारा संकल्प है। बजट में हमने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्र से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। एक बार फिर से शानदार बजट के लिए प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई देते हैं और मोदी और उत्तराखंड सारा मेरे हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ।